नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ONGC की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसीज निकल के आ चुके, लगभग 2500 की वैकेंसीज है। डिप्लोमा वाले, ग्रेजुएट वाले, 10th 12th पास, इनके लिए भर भर के वैकेंसीज निकाली गई है। ITR की सभी ट्रेड के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है, और ITR वालों के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बहुत ही मायने रखती है, राइट? तो आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। पूरे एडवर्टाइजमेंट में कहां कैसी वैकेंसीज निकली हुई मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंडिया में जितनी रिक्रूटमेंट आएगी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। तो चलिए, राइट, ONGC आप सबको पता है एक महारत्न कंपनी है, अपने आप में बहुत बड़ा एक ऑयल सेक्टर के अंदर का एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोला जाता है। क्लियर? तो देहरादून के वर्क सेंटर के अंदर आपको लगभग 114 वैकेंसीज मिलेगी। क्लियर? इलेक्ट्रिशियन वगैरह सबके लिए, कोपा के लिए है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए, फायर वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। फिर उसके बाद में दिल्ली के लिए आपको लगभग 40 वैकेंसीज मिलेगी, जोधपुर के लिए आपको 5 वैकेंसीज मिलेगी, ऐसे नॉर्थन सेक्टर के लिए लगभग 159 वैकेंसीज है। फिर मुंबई वर्क सेंटर के लिए कितनी है, लगभग 303 है, उसमें ये जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए 104, जिसके लिए 12th का ही क्वालिफिकेशन चाहिए। क्लियर? कोपा के लिए भी लगभग यहां 38 वैकेंसीज दी है। फिर उसके बाद में गोवा के लिए आराम से रह सकते हो, मस्त एंजॉय कर सकते हो, एक साल तक 25 वैकेंसीज है, अप्लाई कर लो, राइट? एज भी हमारी बिल्कुल, मतलब कितनी है, 18 से लेकर 24 के एज की ग्रुप में हम कर रहे हैं ये सब। हजीरा, राइट, 45 वैकेंसीज है। उरन में लगभग 63 है। तो ऐसे मुंबई सेक्टर के अंदर आपको 436 वैकेंसीज मिलेंगी। बॉम्बे में आपको 71 वैकेंसीज है। फिर उसके बाद में वडोदरा में 112 वैकेंसीज है। फिर अंकलेश्वर में आपको 173 वैकेंसीज मिलेगी, राइट? अहमदाबाद में आपको लगभग 165 वैकेंसीज मिलेगी। मेहसाना में आपको 211 वैकेंसीज मिलेगी। ऐसे कुल मिला के वेस्टर्न सेक्शन के अंदर आपको 732 वैकेंसीज मिलेगी। फिर उसके बाद में जोरहट में आपको 132 वैकेंसीज मिलेगी। फिर उसके यहां देखो, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 5 वैकेंसीज है। फिर मैकेनिक डीजल के लिए आपको 25 वैकेंसीज मिलेगी। फिर उसके बाद में फिटर के लिए 25 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 17 है। क्लियर? फिर उसके बाद में सिल्चर के अंदर आपको लगभग 71 वैकेंसीज मिलेगी, राइट? नजीरा यानी शिव सागर के अंदर आपको लगभग 390 वैकेंसीज मिलेगी। वैसे ईस्टर्न सेक्टर के अंदर लगभग 593 वैकेंसीज मिलने वाली है, राइट? फिर उसके बाद में चेन्नई में आपको 50 वैकेंसीज मिलेगी। काकीनाडा में आपको 78 वैकेंसीज मिलेगी। राजा मुंडरी के अंदर आपको 102 वैकेंसीज मिलेगी। कराईकल के अंदर आपको 148 वैकेंसीज मिलेगी। ऐसे साउथर्न सेक्टर के अंदर आपको 378 वैकेंसीज मिलेगी। अगरतला में आपको 147, फिर कलकत्ता में 31, बोकारो के अंदर 24, ऐसा सेंट्रल सेक्टर के अंदर 202 मिलेगा, और ग्रैंड टोटल आपका 2500, मतलब लगभग कितना है, 2500 वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी, राइट? एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 का, मैक्सिमम 24 का एज लिमिट है, राइट? कंसेशन का एज रिलैक्सेशन SC ST 5 साल का, OBC का 3 साल का, राइट? एजुकेशन देखो, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 10th पास होना चाहिए, कैबिन और रूम अटेंडेंट के लिए 10th पास, ड्रेसर के लिए 10th पास, हाउसकीपर के लिए 10th पास, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास, राइट? और बाकी सभी ITR के अंदर आपको, मतलब ट्रेड वाइज आपका ITR उस रिलेवेंट फील्ड के अंदर होना जरूरी है, राइट? अब फायर सेफ्टी के लिए, फायर सेफ्टी का डिप्लोमा, राइट?
जिनका ग्रेजुएशन हुआ उनको 9000 का स्टाइपेंड है, 9000 का, डिप्लोमा वालों के लिए 8000 का, और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेड वाइज आईटीआर के लिए 7000 का आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या होगी, तो आपकी क्वालिफाइंग जो एग्जाम है उसके बेसिस के ऊपर मेरिट लिस्ट लगेगी और बहुत ही जल्द आपको ये रिजल्ट भी बता देंगे। 20 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, 5 अक्टूबर को राइट मेरे जन्मदिन पर आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा राइट। तो ये रहा आपका पूरा अप्रेंटिसशिप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। इंडिया में जितनी रिक्रूटमेंट आएगी, जितनी अपॉर्चुनिटीज आएगी, मैं आपके सामने लेके आऊंगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।